Hello dear students, welcome to the class today. As you all know, we have already started chapter 6, geography, manufacturing industries. Yesterday we talked about the importance of industries. Got it? Industries are the backbone of Indian economy. Indian economy kahe ya any economy, industries play a very important role in the economy. Got it? So we are trying to understand that how these industries, hum agar keh rahe hain, if we are saying that industries are very important and industries are contributing to the national economy, we need to understand what are the processes, how are we saying this. Okay, now the data that is given in your book, आपके book में जो इस topic में data दिया हुआ है contribution of industry to the national economy, it's थोड़ा सा पुराना है, quite old, okay? लेकिन बहुत ज्यादा difference नहीं आया है. If we say that the economy has been totally transformed, सही नहीं होगा, it is not correct. The industries that are there, the share of the manufacturing sector has, matlab it was around 17%. Share of manufacturing centers, or you can say manufacturing units, it was 17%. Okay. थोड़ा सा मतलब कि इट हैज स्टॉप लास्ट टू डेकेड्स में, जिस समय ये बुक लिखी गई है उसके पीछे 20 साल तक इट वाज लाइक दिस. 17% ऑफ जीडीपी में इंडस्ट्रीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर कंट्रीब्यूटिंग, 17% इज क्वाइट अ लार्ज नंबर. ओके, लेकिन 27% मतलब काफी सारा, 27% ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. 10% are coming from mining, quarrying, electricity and gas. Okay? इसमें जितना भी whatever DGP, GDP, I'm sorry, DGP slip of tongue, I'm sorry. Whatever GDP is being calculated, उसमें 27% for the industries include, 10% for mining and quarrying, electricity and gas, और 17% is for the manufacturing units. मतलब जो नहीं, जिसमें कि यू हैव अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ अ सेटअप, दूर से नजर आती है, चिमनी है, धुआं निकल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पीपल आर एम्प्लॉयड, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 17%, बिकॉज टोटल शेयर इज 27%. ओके, इंडस्ट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी इन द लास्ट टू डेकेड्स, मीन्स आप ये समझ लो 2010 एंड 1990 टू 2000 एंड 2000 टू 2010, उस समय का जो था 27% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, उसमें 17% वाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 10% वाज माइनिंग, क्वेरिंग. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड कि अलग अलग यूनिट्स इंडस्ट्री का अलग अलग नाम दिया गया है. सो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, दीज ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग 10%. बाकी जो मैंने बताया जो सेटअप होता है, फॉर्मल सेटअप ऑफ एन इंडस्ट्री, दैट इज 17%. तो टोटल मिला के ये 27% हो गया. माइनिंग एंड क्वेरिंग, देखो ये भी इंडस्ट्री है लेकिन देयर इज नॉट अ फॉर्मल सेटअप फॉर दैट. वो कहीं भी माइनिंग हो रही है तो धरती के अंदर जाके वहां से कोयला निकाल रहे हैं या फिर मतलब अदर मिनरल रिसोर्सेज दैट आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड. लेकिन अभी क्या है, वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम बहुत पीछे हैं. सम ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दैट आर देयर, जहां पे ये इंडस्ट्रीज आर मैन्युफैक्चरिंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग एज हाई एज 25 टू 35%.
तो हमारे यहाँ पे कि इट इज क्वाइट लो अराउंड 7% पर एनम लास्ट डेकेड इट वॉज 7% पर एनम. तो क्या हो गया है कि ग्रोथ रेट इज लो, अभी तो एकदम निल हो गया है. अभी तो नेक्स्ट ईयर का जो कैलकुलेशन वुड बी कमिंग, वॉट एवर कैलकुलेशन वुड बी देयर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. तो ये जो 6 महीने का लॉकडाउन रहा, 6 महीना नहीं 3 months कंप्लीट लॉकडाउन, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव रियली कम टू अ वेरी लो. तो सिंस 2003, अभी थोड़ा सा व्हेन वी गो टू अ रियल बैक डेट 2003, मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिंस 2003, प्लीज अंडरस्टैंड, सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग. कितना? दे आर ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, 9 to 10% पर एनम. अभी बढ़ गया है, अभी इससे ज्यादा हो गया है. लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैज बीन देयर, क्योंकि गवर्नमेंट नोज कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नीड्स टू बी केप्ट प्रॉपर. अगर वहां पे डिप जाता है तो नेशनल इकोनॉमी में डिप चला जाएगा. There would be a low trend in the national economy. So, government has interfered, proper policies have been made and productivity has been increased. Whatever effort, जैसे suppose I want to lay down an industry. मैं एक glass की manufacturing industry लगाना चाहती हूँ. I'm just citing an example. Now, whatever help I want from the government, I would be provided for it. And industries need to improve productivity. Economists have said that manufacturing will be boosting up in the coming years. Yes, and that's very true. Manufacturing units pe agar thoda sa dhyan diya jaye, if a little bit of attention is given, then it can do very well. And the National Manufacturing Competitiveness Council has been set up. NMCC, National Manufacturing Competitive Council. Competitive manufacturing industries also have competition, na? Loha, agar ek jagah manufacture ho raha hai, at one place there is a manufacturing industry which is manufacturing the chemical products. To aap dekho dusri jagah pe, lot of things are there, many industries are there, na? To unke andar competition hota hai. Lekin in this competition, the price hike cannot be done. Prices are decided in a joint manner. Aisa nahi hona chahiye ki ek company ko bahut fayda ho raha hai, dusri company ko bilkul nuksan ho raha hai. Okay? So, this needs to be taken care of and this needs to be sorted out. Now, what happens? National economy mein manufacturing industries are playing very important role. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडस्ट्री होनी चाहिए. और इंडस्ट्री कहां होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इंडस्ट्री लोकेशन, और यू कैन से इंडस्ट्रियल लोकेशन. क्लियर? सबसे ज्यादा जरूरी यही है, बिकॉज रोज रोज तो आप इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे ना. यू कैनॉट कीप ऑन चेंजिंग द साइट ऑफ द योर इंडस्ट्री. वेयर एवर यू आर एस्टैब्लिशिंग योर इंडस्ट्री, इट वुड बी देयर फॉर द कमिंग डिकेड्स. 10 साल, 12 साल, 25 साल तक वो इंडस्ट्री वहीं रहेगी. तो इंडस्ट्रियल लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड many things are influencing, many things are dependent for this industrial location. सबसे पहली चीज है कि इंडस्ट्री जब आप लगा रहे हो, किस चीज की इंडस्ट्री लगा रहे हो, what industries are to be set up, और उसके लिए ये कहां से आएगा, where are we getting this from. पहली चीज, first requirement is, okay? उसके बाद इंडस्ट्री तो मैंने लगा ली, बट हु आर द पीपल हु विल बी वर्किंग इन माय इंडस्ट्री. लेबर, प्रोक्योरमेंट ऑफ लेबर,
And then when I am laying down my industry, how much capital do I have? Okay, 9th class mein padha tha na, the capital that is there, capital, cash in hand, that is there. Okay, so this is there. And then इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली भी चाहिए, और जब सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो गई, हमने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर लिया, पीपल आर वर्किंग, सैलरी उनको मिल रही है, मेरे पास कितना है कैपिटल, एंड देन पावर, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पावर नीड्स टू बी देयर इंडस्ट्री चलाने के लिए. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि लाइफ होनी चाहिए. ओके, एंड आफ्टर दिस सारी चीजें जब मैन्युफैक्चर हो गई तो हमको देखना है कि ये जगह कितनी दूर है. हाउ फार आई हैव टू टेक माई मटीरियल, द मैन्युफैक्चर्ड गुड इज टू बी टेकन हाउ फार, कितनी दूर जाएगा ये मैन्युफैक्चर्ड गुड. अगर इफ द मार्केट इज 100 किलोमीटर फार अवे और 100 किलोमीटर दूर मेरा इंडस्ट्री है तो फिर उतना फायदा नहीं है ना. ज्यादा से ज्यादा मनी विल गो फॉर टेकिंग द मटीरियल टू द मार्केट, इट्स नॉट दैट प्रॉफिटेबल. मार्केट पास होना बहुत जरूरी है. सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में क्या है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस हैज टू बी फाउंड आउट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज टू बी देयर, एंड एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट. हाँ, स्पेशली व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग हैज स्टार्टेड, जब मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उस समय तो वी हैव टू सी कि कम इनपुट में, आई मीन इन लेस इनपुट, हाउ आर वी प्रोक्योरिंग मोर आउटपुट. ओके, सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वंस द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, तो वन थिंग दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, द वन थिंग दैट इज वेरी कॉमन दैट हैपेंस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, लीड्स टू अर्बनाइजेशन. Small town is there in near Delhi. It is Hisar, and it is also called as the Jindal city. Yes, because Shri O.P. Jindal was there. I have been there for, I have worked there in the school for, I mean, for around 10 years. So I know ki it was, when it was established, it was a village. Chhota sa gaon tha. फिर बाबूजी ने व्हेन ही हैड सेट अप एस्टैब्लिश्ड द इंडस्ट्री, नाउ इट्स सच अ हैपनिंग सिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज जिंदल सिटी. जैसे जमशेदपुर है, द वे जमशेदपुर इज देयर इन बिहार, इन द सेम वे, पता नहीं अभी तो इट इज इन झारखंड, इट इन द सेम वे जिंदल सिटी इज हियर इन, आई मीन इट इज हिसार, इट इज कॉल्ड एज हिसार, लेकिन पूरा द All the activities are concentrated in and around the industry, Jindal steel industry. Okay, तो ये देखो कि industry पहले बाबूजी ने लगाई, मतलब one industry was set up, people came and settled here. Now, what is their quarters are made, so much of facilities they provide. आपको जो चाहिए वो सारी चीजें वो आपको अवेलेबल कराते हैं, लेकिन चाहते क्या है, दे वॉन्ट योर 24 आवर्स वर्किंग. आप दे हैव द गैस एजेंसी, दे हैव ओपन द स्कूल्स, दे हैव, मतलब ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स खोल दिया गया है, एवरीथिंग, मार्केट इज देयर, जिंदल मार्केट इज देयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल, लेकिन यू हैव टू वर्क अराउंड द क्लॉक. सारे टाइम आपके समय का वहां पे इंतजार रहता है. यू हैव टू रियली डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो अब आप इसी तरह से सोचो कि पीपल आर वेरी हैप्पी कि इंडस्ट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है 24 आवर्स की बात नहीं है. इंडस्ट्रीज में व्हेन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग तो वो मशीनें बंद नहीं होती हैं, इट इज डन 24 आवर्स अ डे, पूरे 24 घंटा काम चलता है, तो वहां पर शिफ्ट पे ड्यूटी लगती है, 8-8 आवर्स की तीन शिफ्ट होती है. सो वन पर्सन वर्क्स फॉर 8 आवर्स, उसके बाद ऑल द टाइम इज ओन,
घर जा सकता है, काम कर सकता है. ओवर टाइम इफ ही इज वर्किंग ही विल गेट एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट. किसी को मतलब सपोज द पर्सन हु इज टू कम फॉर द सेकंड शिफ्ट, ही इज नॉट वेल, तो उसका भी काम अगर इन्होंने किया, चार घंटे का काम इन्होंने किया, तो उसका ओवर टाइम मिलता है. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, मनी बहुत मनी इज देयर इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रीज में व्हेन द पीपल आर वर्किंग. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. जैसे ही इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है वैसे ही द पीपल कम एंड सेटल देयर, एंड सिटीज आर देयर. इफ द सिटी इज देयर, पीपल आर लिविंग देयर, तो फिर देयर वुड बी मार्केट, देयर वुड बी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस, एवरीबडी वुड बी अवेलेबल एट योर स्ट्रेच. जितना आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल है. ओके, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर देयर, दे कम टूगेदर एंड दे टेक यूज ऑफ दीज एडवांटेजेस. इंडस्ट्रीज देयर ना, सिटी इज देयर, पीपल आर स्टेइंग देयर एंड टूगेदर मेनी इंडस्ट्रीज. अभी क्या हो गया कि स्टील इंडस्ट्री हो गई वहां पे, यू नो देयर आर आसपास की जितनी भी लैंड था, ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड वाज देयर, बट नाउ अदर स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव आल्सो कम अप. वहां पे एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, देन दे हैव ओपन मेनी मिल्स आर देयर, एंड देन देयर आर मेनी वेयर हाउसेज आर देयर. गेहूं आसपास के लोग. Then what happened? Because of the agricultural area, one agricultural university was established there, and it is called as Haryana Agricultural University, big university, agricultural university. So, क्या हुआ? One industry was open, then the other industries also come together to make use of the advantages of that industry. So, अब क्या हो गया? It became an industrial town. This kind of combination or these kind of efforts of many people coming together is called as an agglomeration economy. Agglomeration economy. Okay. Now the industries are coming together, they are taking advantage of all these situations. Shuru Bauji ne kiya tha, means Bauji, I am talking because I have stayed there 10 years, so the person who had started the industry, OP Jindal, Shri Om Prakash Jindal ji, he had this thing in mind ki jo bhi workers, any worker who is coming to my work in my industry would be provided all the facilities and all the advantages. उसको जो चाहिए वो दो, ठीक है, लेकिन उसको काम हमारे हिसाब से करना होगा. सो लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस. एक जगह पे इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद मेनी स्मॉल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो एस्टैब्लिश नियर बाय, मेनी इकोनॉमीज, मेनी अर्बन सेंटर्स कम टूगेदर. दिस इज कॉल्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी. साथ में मिलकर इन्होंने सारा काम किया है. And before independence, what has happened? All the manufacturing units that were there, Britishers ne established kiya tha na, the industries were established by the Britishers. So all these manufacturing units that were there, located in the places jahan pe everything was available in abundance. Zyada se zyada. More raw material, labor, capital, power, market, everything was available nearby. Aisi jagahon pe hi unhone अपनी इंडस्ट्रीज लगाई. आई एम टॉकिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स प्री इंडिपेंडेंस एरा, एंड दैट इज हाउ मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई केम अप एज बिग इंडस्ट्रियल प्लेसेस, बिग इकोनॉमिक प्लेसेस. एंड सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स वेयर डेवलप्ड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विच वी आर लोकेटेड एट सर्टेन प्लेसेस. कुछ कुछ जगहों पे ये इंडस्ट्रीज थी. ओके, एंड अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड अराउंड इट, एंड उसी अर्बन सेंटर से लगा हुआ देयर आर एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड. मुंबई है, अभी आई टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ मुंबई. सिंपल एग्जाम्पल्स आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, बिग टाउन, बिग सिटी
क्या नहीं है वहां पे, एवरीथिंग यू थिंक ऑफ एंड टॉक ऑफ इज अवेलेबल इन मुंबई. ओके, फिर व्हाट हैपेंड, वी स्टेड टू मुंबई एट मुंबई फॉर 2-3 डेज. उसके बाद वी हैड टू गो टू शिरडी साईं बाबा. ठीक है, शिरडी जाते गए हम दर्शन करने के लिए. और जैसे ही मुंबई हमने क्रॉस किया, ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड, इट वॉज सो ग्रीन, इट वॉज सो ग्रीन. तो मुंबई को जितनी ताजी हवा मिलती है ना, वो यहीं से मिलती है, फ्रॉम द रूरल एग्रीकल्चरल प्लेसेस विच आर द हिंटरलैंड, ब्यूटिफुल ग्रीन सराउंडिंग्स, वहां से ही दे आर गेटिंग ऑल द फ्रेशनेस. सो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड. हिंटरलैंड इज दैट प्लेस विच इज अटैच टू द बिग सिटीज, स्मॉल प्लेसेस अटैच टू बिग सिटीज, बिल्कुल एट ज्वाइनिंग द बिग सिटीज. गॉट इट? तो इंडस्ट्री एंड मार्केट लिंकेज इज देयर. How industries are linked to the market, that we have to understand. Okay? क्या क्या है इसमें? When we are talking about location of an industry, please remember the agglomeration economy. Okay? Please, it's asked very frequently. How industries are related to, मतलब connected to market. Industry is connected to market. Got it? इसमें सबसे पहले तो raw material चाहिए. Most important is raw material. Inputs are there. Inputs में you have the raw material. Got it? Then factors of production. सबसे पहले input देखना है, then factors of production, जो हमने भी पीछे अभी मैंने रफ कर दिया है, but I'll again write it down. How production will happen? Industry तो लगा दी है, लेकिन वहां पर production कैसे होगा? So there has to be land, labor. Got it? All these things, देखो सब चीज important है. कैपिटल, पैसा चाहिए. वन न्यू वर्ड इज कमिंग अप, एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ थिंग, इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. एंटरप्रेन्योरशिप जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं ना, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सब्जेक्ट. यस, अभी बताती हूं. And then you have entrepreneurs are there, and then you have the infrastructure. कितना बड़ा होगा building? Infrastructure. How big would be the industry? How good would be the input? ठीक है, ये सारी चीजें हो गई. Raw material कहां से आ रहा है, and other parts, from where is it coming? इसके बाद हमको देखना है लैंड, लेबर, कैपिटल. एंटरप्रेन्योर आर दोज पीपल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री, हु आर रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्क. पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार है. अरे भाई, अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री लगाने में, स्मॉल स्केल, छोटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो ग्रेजुअली एंड स्लोली बड़ी हो जाएगी अगर मेहनत की जाए तो. सो व्हेन द इंडस्ट्री इज सेट अप, तो पैसे इन्वेस्ट करने हैं. लेकिन एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु टेक द रिस्क ऑन देयर ओन. फायदा होगा तो हमारा होगा, नुकसान होगा तो हमारा होगा. दे आर द वंस हु आर रेडी टू टेक द प्रॉफिट एंड द लॉसेस विथ फुल स्पिरिट. हंसी खुशी तैयार रहते हैं हर एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए. दे आर कॉल्ड एज द एंटरप्रेन्योर्स. क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स. दिस इज अ फ्रेंच टर्मिनोलॉजी, सो इट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी? 2 एकर्स में होगी या 5 एकर्स में होगी या 20 एकर्स में होगी? द जिंदल इंडस्ट्री दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज सिचुएटेड इन एन एरिया ऑफ 38 एकर्स. 38 एकर्स में इंडस्ट्री है.
इसके बाद व्हाट हैपेंड, बाऊजी ही इंक्रीज द, ही टुक द नियर बाय एरिया आल्सो, पर ही परचेज द नियर बाय एरिया और वहां पे ही हैड कंस्ट्रक्टेड क्वार्टर्स फॉर द वर्कर्स. बड़े खूबसूरत क्वार्टर्स बनाए हैं, 2 BHK फॉर द हाई ऑफिशियल्स, 3 BHK आर देयर, ऑल द फैसिलिटी फॉर द ग्रुप डी एम्प्लॉइज ऑल्सो क्वार्टर्स आर मेड. यस, peons are there, our helpers are there, workers are there, laborers are there, उनके लिए भी घर बनाए हैं उन्होंने. तो एवरी फैसिलिटी इज बी प्रोवाइडेड बाय द ओनर. तो ऑब्वियसली काम अच्छा होना ही होना है. ओके, नाउ ही इज नो मोर देयर, बट द वाइफ ऑफ द लेट श्रीओपी जिंदल, सावित्री जिंदल जी, शी इज अमंगस्ट द टॉप 10 richest women ऑफ द वर्ल्ड. Top 10, I think she's in third or the fourth position. अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, but top 10 में she's the richest lady. बाऊजी तो बना के चले गए. And he died in a helicopter crash. पता, helicopter बिल्कुल land कर रहा था and it met with an accident. Immediately he died. पूरे शहर में कहीं खाना नहीं बना था, पता है, that kind of a respect बाऊजी है. So I just, because I was discussing industry, so I was discussing, I took an example of a place which had got the industry. और ये example मैंने सिर्फ इसलिए लिया, because you will understand the industrial methodology clearly. I have observed it very keenly. That's why I share it with you. Factors of production हो गए, अभी सामान को market तक ले जाना है, तो next thing important is transport. कैसे जाएगा? ओके, ट्रांसपोर्ट के बाद सामान पहले फैक्ट्री में आएगा, देन इट विल गो टू द आउटपुट, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी. ट्रांसपोर्ट से पहले सामान इंडस्ट्री फैक्ट्री में आया, देन इट विल गो फॉर आउटपुट, दैट इज द रेडी मटेरियल, जो सामान तैयार हुआ है, प्रोडक्ट्स, विच एवर प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड. हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि स्टील की ही इंडस्ट्री होगी या कुछ इस तरह का बड़ा ही, आप साबुन की भी इंडस्ट्री लगा सकते हो. गॉट इट? तो इट्स अ कंप्लीट चेन, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. उसके बाद अगेन आउटपुट विल बी टेकन, ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर ट्रांसपोर्ट से ये सामान कहां चला गया, आफ्टर टेकिंग दिस ट्रांसपोर्ट इट हैज गॉन टू द मार्केट. मार्केट से हमको क्या मिला, मनी, एंड ये मनी रोटेट होके कहां चली गई, वापस इंडस्ट्री. दिस इज हाउ द सिस्टम फंक्शंस. अ कंप्लीट डायग्राम इज देयर. ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रही हूं बिकॉज आप जब इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करोगे, यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. गॉट इट चिल्ड्रन? जस्ट सी द डायग्राम. So children, I told you that I wanted to show you the diagram. Here is the diagram that I am showing you. Ye dekho, industry and market linkage. How industries are linked to the market. Ekdam, iska to achhe se practice kar lena. It is definitely asked for 3 marks ya 5 marks ke liye hi pucha jata hai. To aapko ye practice karna hi padega. सबसे पहले इनपुट्स है. इनपुट्स मीन्स व्हाट आर द मटेरियल्स दैट आर नीडेड इन द इंडस्ट्री. ओके, रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट पार्ट्स है. उसके बाद यू सी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं. हाँ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, लेकिन लुक एट द एरो. क्योंकि इंडस्ट्री से मार्केट तक कैसे जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, जब सामान आपका पहले इंडस्ट्री में आया, आने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए. यू नो, व्हेन द इंडस्ट्रियल लोकेशन इज डिसाइडेड, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट. कि ट्रक खरीदना है या लॉरी खरीदनी है या व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड बी परचेज्ड टू कैरी द गुड्स टू द मार्केट. फिर ट्रांसपोर्ट होके सामान जाएगा टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री से सामान तैयार होके जाएगा मार्केट में,
market the outputs are there, outputs will be again taken by the transport to the market. और market से हमको क्या मिलेगा? Money. और इसी money को हम ले जाके कहाँ पे डालें? For the inputs. Got it? That is how the industries run. यही एक तरीका है industries चलाने का. And you all need to understand this properly. Location industry की क्या होनी चाहिए? We will be discussing it in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.